हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी 2024 और आज की 11 अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में सूखे की मार, उत्तर भारत के 9 राज्यों में गहरा सकता है बिजली का संकट। नदियों में घटा जलस्तर, 85% तक गिर गया बिजली परियोजनाओं में उत्पादन। बारिश बर्फबारी ना होना है मुख्य कारण। नाथवा झांकड़ी की 6 में से 1 टरबाइन से उत्पादन, उत्तर भारत के इन 9 राज्यों में असर। SJVN में भी गिरा बिजली का उत्पादन। तो इसकी वजह से जो जलस्तर घटा है उसकी वजह से जो है यहाँ पे बिजली परियोजनाओं में उत्पादन यहाँ पे घट गया है 85% तक, बहुत ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब बिना कीटनाशकों के सब्जियाँ तैयार होंगी। नोडल विश्वविद्यालय ने नैनो फंगीसाइड विकल्प किया है तैयार। शिमला मिर्च आम पर सफल ट्रायल यहाँ पे हो चुका है, तो इन्होंने ये ट्रायल यहाँ पे किया है। और अब फलों और कई फसलों पर भी ट्रायल शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, नारकंडा चांसल हाटू पीक खड़ा पत्थर में बर्फबारी, 7वें दिन शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत। खराब मौसम से राष्ट्रपति मुर्मू का असम दौरा रद्द। शिमला में बूंदाबांदी के साथ दिन भर छाए रहे बादल, मैदानों में घना कोहरा पड़ना जारी। 383 उड़ानें और 20 ट्रेनें लेट। नेक्स्ट अपडेट ये रही, रामपुर में 181 साल बाद मंदिर से बाहर निकलेगी श्री राम की मूर्ति। प्राचीन हनुमान घाट मंदिर में विराजमान है अयोध्या से लाए भगवान राम की मूर्ति। नेक्स्ट अपडेट ये रही, अब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी, यानी कि शिक्षकों को भी ड्रेस कोड जो है लगेगा, इनके लिए भी ड्रेसेस बनेगी, ऐसी तैयारी यहाँ पे हो रही है। शिक्षा सचिव ने निदेशक से मांगा प्रस्ताव, स्वैच्छिक ड्रेस कोड लागू करने पर जोर। अध्यापकों के लिए फॉर्मल ड्रेस, अध्यापकों के लिए साड़ी या सूट सलवार। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रदेश में शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक ड्रेस कोड लागू करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा से प्रस्ताव मांगा है। स्कूल में 5 साल प्रवक्ता का अनुभव वाला बन सकता है केंद्र अधीक्षक। मार्च में परीक्षाएं प्रस्तावित, स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 27 जनवरी तक मांगे हैं आवेदन। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बिजली बोर्ड में OPS बहाली को लेकर CM से चर्चा। आज संयुक्त संघर्ष समिति के साथ बैठक 11:00 बजे। बोर्ड में स्थायी प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का उठाएंगे मुद्दा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, भारतीय वायुसेना ने मैं जो है अग्रिम भी भर्ती के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए भारतीय वायुसेना में अग्रिम भी बनने का जल्द मौका मिलेगा। तो इसके लिए जो है डेट यहाँ पे आप देख लीजिए, कल परसों मैंने बताया था, इसी के रिगार्डिंग मैंने बताया था, है ना, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 25% यानी कि 25% छात्र कक्षा 2 की क्षेत्रीय भाषा की पुस्तक पढ़ने में असमर्थ। 26 राज्यों के 28 जिलों में 14 से 18 आयु वर्ग के 34,745 बच्चों पर सर्वेक्षण। साइंस, टेक्नोलॉजी, गणित में लड़कों की अधिक रुचि। नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 साल बाद होगी विशेष अंक सुधार परीक्षा। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की मांग पर शिक्षा बोर्ड ने लिया परीक्षा का फैसला। नेक्स्ट अपडेट ये रही, पैट 19 लीट की परीक्षा 26 मई को होगी। तो पैट की 19 और लीट की परीक्षा 26 मई को होगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने इसके लिए जो है 2024 के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये परीक्षाएं जो है आपकी 19 मई पैट और लीट की 26 मई को होंगी। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मार्च अप्रैल में इसके लिए मार्च अप्रैल में तो दूसरा बताया उन्होंने, बट जल्द ही अजूरस के लिए जारी होगी, तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, BBA, BTA और BVOC की डिग्री करने के लिए मिला मौका। तो यहाँ पे विशेष मौके के तहत HPU मार्च, अप्रैल, मई और अक्टूबर में करवाएगा परीक्षाएं। तीनों प्रोफेशनल कोर्सों के विद्यार्थियों को 20,000 प्रति सेमेस्टर फीस देनी होगी। HPU इस सत्र से 5 कोर्सों के लिए बैच नहीं बैठाएगा, अधिसूचना जारी। तो HPU में जो है इस शैक्षणिक सत्र से MA फिजिकल एजुकेशन के अलावा PG डिप्लोमा एनवायरमेंटल साइंस, साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बैच नहीं बैठाए जाएंगे। कम प्रवेश आने के कारण विश्वविद्यालय ने ये फैसला यहाँ पे लिया। तो यही थी दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।